ओके, लास्ट क्लासेस मैंने आप लोग को सारे इंडेफिनिट कराए थे, सारे कंटिन्यू करवाए थे, तो आज मैं आप लोग को सारे परफेक्ट कराता हूँ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पूरे डिटेल से करवाऊंगा। डिटेल के बाद जुमले आप लोग को बाद में व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो है चुका है, ये पहले भी एक दफा करवाया है लेकिन अभी वैसे दोबारा करा रहा हूं, ठीक है, चुकी है, लिया है, ली है, हेलो सर, मेरी आवाज आ ठीक रही है है? जी, चुका है, चुकी है वगैरह, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है भला? इसका शाबाश, हेल्पिंग कोई वर्ब किसी है को सर याद है थर्ड इसका फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सर थर्ड फॉर्म और हैड और सर हैड होगा सर हैज हैड और और हैव, हैड ठीक और है, थर्ड फॉर्म हेड नहीं होगा यार, सिर्फ हैज और हैव, वो बल्कि सर ये हैड और हैड ठीक है, आई के साथ हैव आएगा, आई और वी हैव किस किस के साथ आएगा, दे के आई साथ और भी हैव आएगा, वी के साथ भी हैव आएगा सर और यू के साथ भी हैव आएगा, ठीक है, बाकी शी ही इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज आएगा, ठीक है, याद रहेगा बेटा? यस सर। ओके, इसका फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये याद रख लेना, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ये फॉर्म ऑफ जितने भी वर्ब, परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है, ओके जैसे सर एक जुमला है, वो फुटबॉल खेल चुका है, वो फुटबॉल खेल चुका है, तो इसका ही हैड आप लोग बताएं, फुटबॉल शाबाश आंसर बताएं, सर ही ही हैड हैड फुट प्लेड प्लेड फुटबॉल फुटबॉल ही He has हैड प्लेड played football. फुटबॉल प्लेड Played फुटबॉल football. Played football. फुटबॉल Okay. इसका negative क्या होगा? He has not played football. हाँ, he has not played football. Okay. जी स्टूडेंट्स, आप लोग को इसके नेगेटिव समझ आ गया? ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। यस सर यस सर यस सर अच्छा, इसका इंट्रागेटिव क्या होगा? शाबाश बताइए। हैज ही प्लेड फुटबॉल हैज ही प्लेड फुटबॉल प्लेड, मतलब हैज बाहर निकालो तो ये इंट्रागेटिव बन जाता है, ठीक है, हैज ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल और इसका नेगेटिव इंट्रागेटिव क्या होगा? Has हैज he ही not played नॉट football? प्लेड फुटबॉल, Has he not played हैज ही नॉट football? Play football. Played प्लेड played football. Sir, play play आए नहीं आएगा. नो प्लेड, Sir, इनकी फोटोज भी ग्रुप में भेज दो. जी स्टूडेंट्स देखिए बेटा, जितनी भी परफेक्ट है बेशक उसका नेगेटिव हो इंट्रागेटिव हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा?
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या आप लोग को समझ आ गई है? यस सर। इजी है ना? यस सर। ओके, बात करते हैं। अगर इस टेंस के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टेंस पे मूव कर रहा हूँ। नो सर। ओके, नेक्स्ट टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, क्या नाम है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होगी? चुका था, चुकी थी, लिया था, लिए। हाँ, इसमें ता ते ती आएगा, ठीक है? चुका था। सर सर, अगर इसमें चुका था, चुकी थी, तो पिछले वाले में कौन सा था? चुका है, चुकी। ओके ओके है, ओके। बेटा इसमें चुका ता है तो उसमें चुका है, मतलब है यार, इसमें ता ते ती। ओके सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर, इसका हेल्पिंग वर्ब हेड होगा। हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा? हेड सर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी। चलो जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो सब में लगेगा। अब मुझे बताए, इसका कोई जुमला बता दे शावस, उर्दू में बता दे। जैसे हम खत लिख चुके थे, इसका इंग्लिश क्या होगा? नहीं नहीं, ऑलरेडी नहीं आएगा, बस हम खत लिख चुके थे। वी हैड रिटन अ लेटर। ओके सर, ये भी हो सकता है सर, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम खत्म कर दिया। यस, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क भी हो सकता है। अब अगर इसका नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? वी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अच्छा, इसके इंट्रोगेटिव बताइए शाबाश। हैड वी रिटन अ लेटर। शाबाश। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा? हैड वी नॉट रिटन अ लेटर। गुड। अब इसके बाकी जुमले मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा, वो आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। लेकिन इंटरोगेटिव में आखिर में साइन आप इंटरोगेशन जरूर लगाना। ओके यस सर। ओके, यहां तक समझ आ गई? यस सर। यस सर। ओके, इजी है यार, मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं सर, बहुत आसान है। यस सर। ओके, अब मैं आप लोगों को इसका पिक्चर भी सेंड कर रहा हूं, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। अरे, इसमें विल हैव लगेगा। तो क्या होगा सर इसमें?
जी चुका होगा चुकी होगी ओके सर हेल्पिंग वर्ब में विल हैव आएगा सर ओके सर हेल्पिंग वर्ब क्या है विल हैव और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सर इन परफेक्ट टेंस तीन ऑफ परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म लगेगा तीन ऑफ परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की जैसे वो पौधों को पानी दे चुका होगा वो पौधों को पानी दे चुका होगा शाबाश आप लोग इसका इंग्लिश बताएं जी समझ आ गई बेटा यस सर आ गई जी सर सर लेकिन मैं आपको वाटर द प्लांट्स अब आप लोग मुझे इसका नेगेटिव बताएं सर मुझे वाटर द प्लांट्स नॉट हैव वाटर द प्लांट्स सर मुझे अभी आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद वेट लेट आई विल ट्राई रीजॉइनिंग जी सब लोग को स्क्रीन नजर आ रहे हैं बेटा यस सर अच्छा ही विल नॉट हैव वाटर द प्लांट्स और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा विल ही हैव वाटर द प्लांट्स हाँ सिर्फ विल बाहर निकालना हो कि हैव साथ नहीं निकालना विल ही हैव Water the plants, okay? Okay, sir. Hello, sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes. Okay, अब ठीक है. स्क्रीन नजर आ रही है. अच्छा स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होगा विल ही हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट नहीं नहीं विल ही नॉट हैव जी स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई है यस सर मैंने इसका बेटा आप लोगों को पिक्चर भिजवा दिया अब इसमें मजीद भी जुमले हैं लेकिन वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा ठीक है ओके सर मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैटर्न समझा दिया कि किस तरह के जुमले आएंगे आपने पहचान कैसी करनी है और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और उसका फॉर्म अप वर्ब क्या होगा अंडरस्टैंड यस सर ज्यादातर आप लोग यही प्रॉब्लम रहता है कि आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश तो पर समझ सकते हो लेकिन उर्दू टू इंग्लिश नहीं कर सकते इसलिए ये टेंसेस मैं करा रहा हूं ताकि आप लोग उर्दू टू इंग्लिश भी कर सके अंडरस्टैंड यस सर ओके सर मुश्किल तो नहीं है ना नो सर सर लेकिन हमारा पास इसका स्कूल है इधर इंग्लिश टू उर्दू कराते हैं इंग्लिश टू उर्दू भी तो हमें करवाऊंगा लेकिन पहले टेंसेस करवा दो फिर इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ्स भी कराऊंगा ठीक है ओके सर वो तो अभी मेरा पहला टारगेट है अभी तो मेरे पास टोटल 15 टारगेट्स है मतलब 14 टारगेट्स और भी करवाने इंशाल्लाह ठीक है ओके अब आप लोग काइंडली इसको नोट कर ले मैं उर्दू का एक मुहावरात का पेज शेयर कर रहा हूँ तो उसको फिर डिस्कस करते हैं ठीक है ओके सर ओके ओके
अब आप लोग ये जो मैंने भिजवाए हैं तीनों टेंसेस की, जस्ट एक मिनट प्रैक्टिस कर ले। मैं सामने से जो कैडेट गाइड है ना उससे एक पिक्चर लेके आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मुहावेरात का वो पेज आज करना है, ठीक है? सर मेरे पास एक दूसरी कैडेट गाइड है तो वो भी चली? आप बेशक अपनी कैडेट गाइड से करें, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने लिए आसान कैडेट गाइड की जल्द से जल्द अरेंजमेंट कर ले, क्योंकि मैं इसके पिक्चर शेयर किया करूंगा और इसकी चीजें बहुत अच्छी है। मैं पहली दफा यही गाइड पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा दोस्त है आतर, इसका ना इस्लामाबाद में मेरा दोस्त है, उसने ही लिखी है और काफी अच्छी कैडेट गाइड है और उसने हर चीज को टच किया हुआ है, तो आपको चार पांच किताबें इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, एक कैडेट गाइड में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, अभी मैं उर्दू शेयर करने लगा हूँ, आप लोग ये नोट कर लें।